हेलो फ्रेंड्स, सो तुहानू याद होएगा कि पिछले लैक्चर दे विच आपां गल कीती सी इलैक्ट्रिक मोटर दे बारे। सो इलैक्ट्रिक मोटर दे विच जो मेन बेसिक आपां रूल यूज़ कीता ओह सी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल, जिहदे तो आपां नू पता लगता है कि किसे करंट कैरिंग कंडक्टर दे उपर जो आपां उहनू मैगनैटिक फील्ड प्लेस करिए दैन जो फोर्स लग रही है किस डायरैक्शन दे विच लगती है, सो वो आपां नू कौन दसदा है? फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। हुण आपां अगे अज दी गलबात करिए। सो अज आपां जिहड़ा टॉपिक नवां शुरू करन जा रहे हाँ वह है इलैक्ट्रो मैगनैटिक इंडक्शन। यदि गल करन तो पहले आप थोड़ा पिछे चलते हाँ। पिछे आप गल की थी कि जब अपने कोई कंडक्टर है जिदे विचों करंट पास हो रहा है उन्होंने आप किसी मैगनैटिक फील्ड के जब प्लेस करते हाँ दैन वो उपर की है एक फोर्स लगती है, और वह फोर्स कदों मैक्सीम होंगी है जदों की जो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन है वह प्लस द डायरैक्शन ऑफ करंट वो दोनों आपस दे विच की होन 90 डिग्रीज से मीनस परपेंडिकुलर होन, दोनों डायरैक्शन आपस विच परपेंडिकुलर होन, दैन जो फोर्स लगती है वो मैक्सिमम लगती है। सो उसे फोर्स करके की है जो कंडक्टर है वो मूव करता है ना। हुण अगर आप गल करिए कि आप एक कंडक्टर लैके सो कंडक्टर नू आप मूव करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मैगनैटिक फील्ड। सो एक मैगनैटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टर नू रखिया और उस कंडक्टर नू मूव करवाइए दैन आपां नूं की ऑब्जर्व होएगा, या फिर इदां करन दी बजाय अगर आप एक कंडक्टर नूं स्टेशनरी रखिए स्टिल रखिया और उहदे आस पास जो मैगनैटिक फील्ड है उहनूं आपां थ्रू एनी मीनस सो किसी भी तरीके नाल आपां मैगनैटिक फील्ड नूं चेंज करवाइए दैन आपां की ऑब्जर्व करांगे। सो ये चीज़ आपां हुण की है इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन दे विच पढ़ांगे। सो इस चीज़ बारे सो साइंटिस्ट सीगे, सो साइंटिस्ट दा नाम या फिजिसिस्ट कह सकते हाँ, उहनां दा नाम सी माइकल फैराडे। सो उन्होंने की है अपने एक्सपेरीमेंट्स के थ्रू ये शो किया या ये डिस्कवर किया दैट आप मैगनेट्स को मूव करवा के यूजिंग द मूविंग मैगनेट्स आप इलैक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो वो किस कि ने डिस्कवर किया? माइकल फैराडे ने। सो एक्चुअल दे विच जो माइकल फैराडे सी वो जनरली उन्होंने कोई मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली सी, फॉर्मल एजुकेशन मीनस वो स्कूल वगैरह नहीं गए सी, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन नहीं कंप्लीट की सी। वो काम करते सी अपने ड्यूरिंग अर्ली ईयरस मतलब अपने जिंदगी दे शुरुआती सालों दे विच उन्होंने एक जिवें बुक बाइंडर्स होंदे हन उन्हां दी दुकान ते काम कीता। सो उत्थे जनरली बुक्स आंदियां रहिंदियां सीगियां बाइंडिंग दे लई। सो वो की करते सी जो बुक्स आंदियां सी बाइंडिंग दे लई उन्हां नूं मीनस खोल के पढ़ते रहिंदे सी। सो इस तरह की है उन्हां दा इंट्रस्ट जा गया साइंस दे विच। सो साइंस बारे पढ़ पढ़ के ही की है उन्हां दा थोड़ा इंट्रस्ट क्रिएट होया इन द सबजैक्ट ऑफ साइंस। सो इस तों इलावा उन्हां नूं की है कुछ पब्लिक लैक्चर्स सुनन नू मिले। सो एक होर देर वॉज अ टीचर उन्हों का नाम से हम्फरी। सो उन्होंने जो कुछ पब्लिक लैक्चर सके सो वो कुछ रिसर्च वगैरह जो अपनी कर रहे थे उन्होंने कुछ रिलेटेड लैक्चर्स उन्होंने सुने, और लैक्चर्स सुनने तो बाद उन्होंने की है उन्होंने कुछ प्रॉपर केयरफुल नोट्स बनाए, और नोट्स बना के उन्होंने ही सेंड किए जिन्हें लैक्चर सुने गए थे। सो उन्होंने एज एन असिस्टेंट उन्होंने अपनी लैबोरेटरी के काम पर रख लिया। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मतलब वो उस लैबोरेटरी के एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे दैन उन्होंने की है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेटिव जी जो डिस्कवरीज ने वो दुनिया के मीनस उन्होंने की है लैके आदि। सो उन्होंने एक तो है इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन जिंद गल हूँ आप करा फिलहाल, प्लस कुछ होर अगर आप नाम लेने चाहिए एक है लॉज ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। सो हूँ जो आप गल करा दैट इज़ अबाउट द इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। सो उन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया मीनस कि मूविंग मैगनेट्स को यूज़ करके आप इलैक्ट्रिक करंट को किस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो उसके लिए आप एक एक्टिविटी देखते हैं। सो पहले मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा। सो अपने कोल की है एक कॉयल है ऑफ एनी वायर। सो इतने मैं कॉयल शो करांगी रैप हुई हुई मीनस ये कोई है कोई नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल यूज़ कर सकते हैं आपां उहदे उपर। हुण मैं की है कॉयल नूं शो करन जा रही हाँ। हुण जो कॉयल दे दो एंडस हन उहनां नूं जॉइन करन जा रही हाँ मैं विद अ गैल्वेनोमीटर। सो एक ही है एक गैल्वेनोमीटर, देन आपां नूं जरूरत है एक बार मैगनेट दी। सो ये है एक बार मैगनेट, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक्टिविटी दे विच वो हैं एक तो आपां नूं कॉयल चाहिदी है ऑफ एनी वायर। सो कॉयल नूं मैं इत्थे शो किया है, कॉयल दे दोनों एंडस नूं आपां कनैक्ट किया है विद गैल्वेनोमीटर, प्लस नाल दी नाल आपां नूं बार मैगनेट चाहिए है। सो उहदे नाल मैं की है उन्हां दे नॉर्थ और साउथ पोल भी मैनशन कर दिते हैं। सो गैल्वेनोमीटर ये टर्म आपां हुण इत्थे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हाँ, गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर की है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है सो जो हेल्प करता है टू डिटेक्ट करंट
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट की मीनस अगर आप डिटेक्ट करना हो कि किसी सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है दैन आप की है उ गलवेनोमीटर ज्वाइन करके चैक कर सकते हाँ कि सर्किट के करंट है या नहीं है। सो एक ये एक इंस्ट्रूमेंट है। सो ये जो डिफलैक्शन एक नीडल होएगी सो अगर तो जो नीडल है बिल्कुल जीरो पर पॉइंट कर रही है गलवेनोमीटर के केस के जो जीरो हों बिल्कुल सेंटर हों। सो बिल्कुल सेंटर मीनस जो नीडल है बिल्कुल वर्टिकली पॉइंट करे। सो इन केस अपने को डिफ्लेक्शन बिल्कुल इस तरह आ रही है स्ट्रेट दैन दैट मीनस इतने की वह जीरो पॉइंट है। सो जीरो के केस के डिफलैक्शन नहीं आ रही तो यदा की मतलब है सर्किट के कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अदरवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है दैन जो डिफलैक्शन होएगी आइदर वो की होएगी राइट साइड वाल होएगी या फिर लैफ्ट साइड वाल होएगी वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट की है। सो अगर बिल्कुल जीरो के उपर है मार्क मीनस बिल्कुल सेंटर के उपर नीडल है वह मतलब है सर्किट के कोई करंट नहीं है। और अगर कोई डिफलैक्शन है आइदर टू द राइट या फिर टू द लैफ्ट तो वह मतलब की है करंट है सर्किट के और डिफलैक्शन डिपेंड कर रही है मीनस केड़ी साइड वाल डिफलैक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि सर्किट के डायरेक्शन वाल करंट फ्लो कर रहा है। सो एक ही है गलवेनोमीटर। सो हम गलवेनोमीटर बार मैगनेट और कोयल यूज़ करके आप चेक करेंगे कि मूविंग मैगनेट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है तो किमें हो सकता है। सो इन दिस केस आप की हम डिफरेंट डिफरेंट केसिज लवेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी विल मूव नॉर्थ पोल जिमें कि मैं शो भी किया है नॉर्थ पोल आप शो नाल दी नाल मैं इतने लिख देव दिस इज़ ए एंड बी। सो दो एंड्स मैं मार्क किए हैं कॉयल दे एक एंड है ए दूसरा एंड है बी। सो ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे हूँ आप नॉर्थ नू मूव करेंगे टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉयल। सो नॉर्थ टूवर्ड्स एंड बी ऑफ द कॉयल। सो आप की किया कॉयल के दोनों एंड्स नू गलवेनोमीटर नाल ज्वाइन किया एक बार मैगनेट लिया बार मैगनेट का नॉर्थ एंड जो है नॉर्थ पोल है वह आप की है मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स द बी एंड ऑफ द कॉयल। इदा करन ते जब आप गलवेनोमीटर नू देखांगे गलवेनोमीटर दे विच की है जो नीडल है वह डिफलैक्शन देगी। सो लेट अस सपोज अपनी डिफलैक्शन आ रही है टूवर्ड्स द राइट जिमें कि मैं शो किया है। सो डिफलैक्शन इज़ टूवर्ड्स द राइट प्लस जो डिफलैक्शन है वह की होएगी मोमेंटरी होएगी। मोमेंटरी डिफलैक्शन मीनस बिल्कुल ही थोड़े जे टाइम के लिए इस तरह नहीं है कि काफ़ी टाइम के लिए उत्थे जाके नीडल अपनी स्टॉप हो गई। सो हल्की जी डिफलैक्शन आएगी अपने को गलवेनोमीटर के डिफलैक्शन आने का की मतलब है कि सर्किट के कितना कित मतलब करंट प्रोड्यूस जरूर होया है। सो फर्स्ट केस विच की होया इट गिव्स डिफलैक्शन इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइम आप करिए हूँ सो प्लस एक चीज़ होर अगर आप नोट करिए जब आप मूव करवा रहे हाँ सो नॉर्थ नू आपां मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स द बी एंड ऑफ द कॉयल डिफलैक्शन आई लेकिन जिवें ही आप रोक दईए सो जो ये दोनों ये स्टेबल पोजिशन है स्टेशनरी है दैन जो अपनी डिफलैक्शन है बिल्कुल नहीं आएगी। सो जीरो के उपर की अपना मार्क रहेगा दैट इज करंट नहीं है सर्किट के। हुण नैक्सट टाइम आप करिए पहला आप नज़दीक लैके आ रहे थे हुण नैक्सटली आप करांगे जो नॉर्थ पोल है उन्होंने हुण मूव करावांगे अवे फ्रॉम द एंड बी। सो नैक्सट केस आप लिया नॉर्थ moving away from end B. Then again aap jab deflection dekhange galvanometer de vich ede vich deflection aayegi but in this case the deflection aayegi again momentary deflection aayegi but in the opposite direction. So agar apne kol pehle right direction wal deflection aayi si then hun in this case apne kol jo deflection aayegi oh kidhar wal aayegi that will be towards the left direction. सो आप ये की है तीन चीज़ा देखिया एक तो जब आप मूव करवा रहे थे टूवर्ड्स द कॉयल टूवर्ड्स वन एंड ऑफ द कॉयल उदो की है डिफलैक्शन आई मोमेंटरी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करवाया मीनस मूवमेंट नहीं हो रही है। सो जो तो बिल्कुल स्टेशनरी पोजिशन है कोई भी डिफलैक्शन नहीं आएगी जीरो मार्क के उपर रहेगा। अगेन जब आप मूव करवा रहे हाँ अवे फ्रॉम द एंड बी ऑफ द कॉयल फिर तो ये डिफलैक्शन आएगी और किस डायरेक्शन आएगी उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच मीनस इतने डिफलैक्शन आएगी अपने को टूवर्ड्स द लैफ्ट टूवर्ड्स द लैफ्ट मीनस टूवर्ड्स द लैफ्ट ऑफ दैट जीरो पॉइंट। दैन हूँ आप नैक्सट की करना है हूँ आप बार मैगनेट नू स्टेशनरी रखा। सो पहले की किया आप कॉयल नू स्टेशनरी रखिया और बार मैगनेट नू मूव करवाया नैक्सट केस विच आप इनू स्टेशनरी रखा और कॉयल नू मूव करवावे। सो इन दिस केस हूँ ये स्टेशनरी है सो फर्स्ट की होएगा वी विल मूव द एंड B of the coil means obviously पूरी coil move करेगी अपनी so coil को अपन move करवा रहे हैं towards the north pole of the magnet. So towards the coil moving towards north. So जब coil को move करवाएंगे और
बार मैगनेट नूं स्टेशनरी रखांगे अगेन वी विल चेक इन द गलवैनोमीटर कि इत्थे कोई डिफलैक्शन है या नहीं है. सो आपां की देखांगे कि गलवैनोमीटर दे विच फिर तो डिफलैक्शन आएगी, डिफलैक्शन अगेन मोमेंटरी होएगी. सो मोमेंटरी का भी एक रीज़न है. मोमेंटरी क्यों होंगी है? बिकॉज जो करंट हों बिल्कुल बिल्कुल थोड़े जे टाइम लिए प्रोड्यूस हों. सो दैट इज़ वो अपने को जो डिफलैक्शन है स्टेबल नहीं होंगी है, हल्की जी डिफलैक्शन आती है. सो जब मूव करवाया टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैगनेट अगेन अपने को गलवैनोमीटर डिफलैक्शन आएगी. सो इसी तरह अगर अपने को इतने राइट वाल डायरेक्शन डिफलैक्शन आ रही थी, इतने भी अपने को जो डिफलैक्शन आएगी सिमिलरली राइट डायरेक्शन वाल आएगी. एंड लास्ट की करांगे हुण जो कॉयल है आपां पहले टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल मूव करवा रहे थे. सो फोर्थ टाइम हुण जो तीन पार्ट्स तो बाद आपां फोर्थ की करांगे, आपां पूरी कॉयल नूं सो जो बी एंड है उन्हूं आपां फार अवे लैके जावांगे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट. सो एक बार नज़दीक लैके आए, नेक्स्ट टाइम की करांगे दूर लैके जावांगे, फिर तो जो डिफलैक्शन आएगी इन द गलवैनोमीटर किस तरह आएगी? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जो अपने को उस तो पहले वाले केस में आई है. सो आप चार चीज़ें इतने चेक की. सो लास्ट सिगा कॉयल मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल दैन जो डिफलैक्शन आएगी दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जो उस तो पहला आई सी उस तो ऑपोजिट. सो चारों केसिस दे विच आपा की देखिया कि जब आप मूव करवा रहे हाँ, चाहे आप बार मैगनेट नू मूव करवाया इन द सेम डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन अवे, उसी तरह अगर आप कॉयल नू मूव करवाइए इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल या इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, चारों केसिस विच अपने कोल की है डिफलैक्शन आ रही है, चाहे मोमेंटरी आ रही है थोड़े टाइम लिए आ रही है. और दो केसिस दे विच मीन्स जदों आप दो केसिस की एक ही केस है एक्चुअल दे विच कि जब आप दोनों नू स्टेशनरी रख रहे हाँ, मीनस ना तो मैगनेट मूव कर रहा है ना तो कॉयल मूव कर रहा है, उस केस दे विच अपने कोल की है कोई भी डिफलैक्शन नहीं आ रही है. सो ये अपनी की है पूरी एक्टिविटी सी. सो ये तो आप हम कंक्लूजन ड्रॉ करांगे कि इस चीज़ तो. सो ये सारिया जो आप अलग अलग स्टेप्स किए हैं इन्हें तो की कंक्लूड हो रहा है. प्लस एक चीज़ हो रहा है, इतने मैं जस्ट नॉर्थ पोल यूज़ किया है, आप साउथ पोल भी यूज़ कर सकते हैं. जस्ट अगर आप साउथ यूज़ कर दे सो इन केस इतने आप साउथ पोल लेंदे साउथ नॉर्थ. सो वही चीज़ आप सेम स्टेप्स दोबारा कर दे, मीनस एक बार आप नज़दीक लेके आइए फिर दूर लेके जाइए. सो एक बार स्टॉप करवा के देखिए, अगेन एक बार कॉयल नू नज़दीक लेके जाइए साउथ दे, और एक बार की है दूर लेके जाइए, देन स्टेशनरी पोजीशन ते चेक करिए अपने कुल की आना सी. सेम ये चारों केसेस डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन जो अपने कुल रिजल्ट आएगा डिफ्लेक्शन का जस्ट वो की आएगा ऑपोजिट आएगा. सो दैट इज़ द सेम थिंग. सो जस्ट आप की है एक केस ही लिया है जो आप नॉर्थ की गल कर रहे हैं. सो ये सारिया चीज़ों तो आप की कंक्लूड किया कि जो दोनों स्टेशनरी पोजीशन दे विच हन, मतलब मैगनेट नहीं मूव कर रहा कॉयल नहीं मूव कर रही, दैन देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट. नो करंट क्यों? बिकॉज गलवैनोमीटर दे नो डिफलैक्शन मीनस नो करंट, डिफलैक्शन आएगी तो ही करंट होएगा. सो बाकी चारों केसिस दे विच सो दोनों विचों किसी भी मूव करवाओ, एक दूजे वाल करवाओ, दूसरे एक दूसरे तो दूर लेके जाओ, मूवमेंट हो रही है दैन अपने कोल की है करंट आ रहा है. सो इतों आप कंक्लूड किया दैट सो द मोशन ऑफ दिस मैगनेट दिस बार मैगनेट विद रिस्पैक्ट टू कॉयल, विद रिस्पैक्ट टू मतलब ये कंपेयर करते हुए कि ये नाल दी नाल अगर आप जब इनू मूव करवाइए चाहे वो वल करवाइए या उस तो दूर लेके जाइए, दैन वो नाल की है कॉयल दे विच पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस की गल आप इलैक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की सी. पोटेंशियल डिफरेंस की है दैट इज़ द इलैक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस जो अपन चाहिए है सो दैट चार्ज की है एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट वाल मूव करे. सो चार्ज जब मूव करेगा दैट मीन्स इलैक्ट्रिक करंट इतने की है फ्लो करेगा. सो मूवमेंट ऑफ मैगनेट के नाल की होया इंड्यूस मीनस इंड्यूस द एक्चुअल मीनिंग की है कि ए रिस्पोंसिबल है फॉर कॉजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस कॉयल. सो यदि मूवमेंट के नाल ए पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है, और जदों भी पोटेंशियल डिफरेंस होएगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर उस केस दे विच की है उस कंडक्टर तो करंट फ्लो करेगा. सो आप मेन रीज़न की दे सकते हैं दैट द मूवमेंट या मोशन लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ मैगनेट विद रिस्पेक्ट टू, सो शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल इंड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जिदे करके की है चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस in the coil and hence current is induced
सो द मूवमेंट ऑफ मैगनेट जो मैगनेट नू मूव करांगे विद रिस्पेक्ट टू दिस सो ये दोनों चीज़ा कवर हो रही हैं चाहे इनू मूव कराइए आप इनू स्टेशनरी रखिए या इनू मूव करवाइए इनू स्टेशनरी रखिए सो द मूवमेंट ऑफ मैगनेट विद रिस्पेक्ट टू कोयल इंड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस इन द कोयल सो ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है जिदे करके की है कोई चार्ज एक जगह तो दूजी जगह फ्लो करेगा एंड हैंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल सो आप की कहेंगे कि वायर दे विच की है इस कोयल दे विच की है करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड सो चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड या फिर ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैगनेट सो इतों की आप कंक्लूड किया सो पहले आप गल की सी पिछले आर्टिकल्स दे विच की आप मैगनेटिक फील्ड दे विच एक करंट कैरिंग कंडक्टर नू रखिया दैन उहदे ते फोर्स लग रही सी हुण आप की देखिया कि आप एक कंडक्टर नू मैगनेटिक फील्ड च रखिया हुण चाहे तो कंडक्टर नू मूव करवाइए या फिर मैगनेटिक फील्ड नू चेंज करिए बाय मूविंग द मैगनेट दैन उहदे नाल की है उस कंडक्टर दे विच करंट प्रोड्यूस हो रहा है सो मूवमेंट तो करंट हो रहा है पहले की सी करंट सी और मूवमेंट हो रही सी सो ये चीज़ आप हुण इत्थे देखी एक एक्टिविटी आप होर देखते हाँ थोड़ा इनू ही रिफॉर्म करके सो नैक्सट केस विच आप की लईए हुण मूविंग मैगनेट की जगह पर आप है एक होर कोयल लवेंगे सो कोयल दे विचों की है करंट पास करवावांगे सो अ कोयल जिदे विचों की है करंट पास हो रहा है प्लस उस करंट की डायरेक्शन नू आपा की है सॉरी करंट की जो वैल्यू है मीनस अमाउंट ऑफ करंट जिहड़ा आपा विचों फ्लो करवाना है उन्हूं वेरी भी कर सकते हैं मतलब वधाया घटा सकते हाँ सो उहदे लई अगेन सो आप एक सिलेंड्रिकल शेप इत्थे सपोज कर रहे हैं कुछ भी लै सकते हैं इत्थे जस्ट एक ही है इंसुलेटिंग होना चाहिए है नॉन कंडक्टिंग होवे हुण आपां उपर दो कोयल्स शो करांगे एक कोयल जिहदे विचों आपां करंट खुद पास करवावांगे और दूसरे कोयल दे विच आपां चैक करांगे कि वैदर उहदे चों करंट पास होएगा या नहीं पास होएगा सो पहले इत्थे कोयल वन शो कर रही हाँ मैं दैन इहनूं बैटरी सोर्स दे नाल जॉइन सो लेट अस सपोज दिस इज कॉइल वन दूसरी कॉइल मैं नाल ही इत्थे रैप कर रही हाँ या वाउंड कर रही हाँ सो लेट दिस बी कॉइल टू और इनू आप ज्वाइन कर रहे हाँ विद गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर नाल क्यों बिकॉज आप डिटेक्ट करना है कि इस कॉइल दे थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा सो इत्थे गैल्वेनोमीटर सो इनू नाम दे दीजिए कॉइल टू दैन हुण इन दिस केस आप कंसिडर कर रहे हैं दो कॉयल्स सो उन्हां दे विच जो नंबर ऑफ टर्नस दे टर्नस हैं लैट अस सपोज एक दे विच की हैं 100 टर्नस आप यूज़ कर रहे हैं सो वन कॉयल जिदे विच 100 टर्नस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर आर यूज्ड मीनस कॉपर वायर ही लै लो कॉपर वायर दी आपां 100 टर्नस लईआं हन और सैकेंड कॉयल दे विच आपां की है वी आर यूजिंग अबाउट 50 टर्नस ऑफ द कॉपर वायर कॉयल वन नूं आपां की है प्राइमरी कॉयल बोल सकते हाँ दिस इज़ द प्राइमरी कॉयल दैट इज़ द कॉयल वन एंड सेकेंडरी कॉयल आपां किनूं बोलांगे कॉयल टू नाउ हुण आपां इनूं कनैक्ट किया है विद द बैटरी सोर्स नाल की है प्लग की सो ये विचों की है आप खुद करंट पास करवा रहे हाँ किल जिद नंबर ऑफ टर्नस की हैं ज़्यादा हैं अबाउट 100 टर्नस हैं और दूसरी दे विच की हैं अबाउट 50 टर्नस ऑफ कॉपर वायर प्लस आपू ज्वाइन किया है कनैक्ट किया है विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट आप डिटेक्ट कर सकी कि इस कॉयल के कोई करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लस दिस इज़ इंसुलेटिंग जो आप सिलेंड्रिकल जो नीचे मीडियम लिया है दैट इज़ इंसुलेटिंग सो इंसुलेटिंग क्यों ताकि जो इहदा करंट है कंडक्शन मतलब इत्थों कंडक्ट हो गए इत्थे तक ना आ सके सो दिस इज़ प्योरली इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग है हुण आपां की करांगे कॉयल वन दे विचों करंट पास करवावांगे सो इस तरह की है करंट पास होएगा जिवें कि डायरेक्शन शो की गई है सो करंट पास होण दे नाल आपां की है वी विल चेक द गैल्वेनोमीटर डिफलैक्शन सो जद करंट पास अपना जो द करंट पास करन दे लई आपां जस्ट की नूं ऑन करांगे मीनस जब इहदे विच आपां इनसर्ट करांगे की नूं दैन वी विल चेक कि गैल्वेनोमीटर दे विच डिफलैक्शन आ रही है सो डिफलैक्शन अगेन लेट अस सपोज कि राइट साइड वाला अपने कोल डिफलैक्शन आई वैन वी स्विच ऑन द की मीनस आपां जब सर्किट कंप्लीट किया जस्ट उदों ही आपां चेक किया कि अपने कोल डिफलैक्शन आई अगेन मोमेंटरी डिफलैक्शन थोड़े टाइम के लिए डिफलैक्शन आएगी सो हल्की जी डिफलैक्शन तो बाद अगेन वो की आ जाएगा जीरो पॉइंट के उपर आ जाएगा सो उस तो बाद की है करंट फ्लो कर रहा है करंट फ्लो करता जा रहा है उस तो बाद की अपने कोई डिफलैक्शन नहीं आ रही नैक्सट टाइम आप करा
वी विल पुट ऑफ द सर्किट, मीनस आपां सर्किट नूं बंद कर देवांगे। सो आपां की है इत्थों दी की नूं या तां ऑफ कर दईए, सो सर्किट उहदे नाल ही की है डिस्टर्ब हो जाएगा। जदे नूं बंद कीता उहदे नाल भी की है उस टाइम ते अगेन आपणे कोल इत्थे की है डिफलैक्शन आएगी। सो दो जवार डिफलैक्शन आई, कदों कदों आएगी? एक तां जदों आपां इहनूं जस्ट स्टार्ट कर रहे हाँ, स्टार्ट होने नाल की है कोयल टू दे नाल जो आपां गलवैनोमीटर अटैच किया है, गलवैनोमीटर च एक डिफलैक्शन आएगी, से राइट साइड वाल डिफलैक्शन आई। सो उस तो बाद जब करंट स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, स्टडी मीनस इक्वल अमाउंट ऑफ मीनस सेम करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कोयल वन, कोई चेंज नहीं है करंट दे विच, उदों की है इधर कोई डिफलैक्शन नहीं आएगी, द डिफलैक्शन विल बी जीरो। सो जीरो मार्क के उपर रहेगा। लेकिन जदों ही आप की है इनू बंद करांगे, इस कोयल के थ्रू जो करंट पास करवा रहे थे उन्होंने जीरो कर दईए, अगेन अपने को है इस पॉइंट के उपर फिर तो डिफलैक्शन आएगी। एंड दैट डिफलैक्शन वो किधर होएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन वाल होएगी। सो अगर स्टार्टिंग डिफलैक्शन अपने को राइट साइड वाल आई सी, दैन इन दिस केस अपने को जी डिफलैक्शन आएगी वो किधर आएगी? वो आएगी अपने को लेफ्ट साइड वाल। सो हुण आपां हुण इनू थोड़ा समराइज़ करिए कि अपने को इत्थों की रिजल्ट आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोयल वन कोयल टू की आप गल की थी, दैट इज़ द प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। सो अपने को डिफलैक्शन जीरो दो केसिस विच आ रही है। सो अगर आप लिखना हो सो डिफलैक्शन बिकम्स जीरो वैन, कदों कदों जीरो आ रही है? वैन द करंट इज, फर्स्ट इज जदों करंट की है स्टेडी है, मीनस इक्वल करंट की है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज जो आप की ऑन कर लिया दैन वो करंट फ्लो हो रहा है। सो सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो हो रहा है। सो थोड़े टाइम बाद चेक करिए, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। सो जो करंट की है स्टडी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उदो अपने कोई डिफलैक्शन नहीं आ रही थी। सो जीरो डिफलैक्शन कदों कदों आई? जदों करंट इज स्टडी, मीनस सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सेकेंड पॉइंट की है जदों करंट की हो गया जीरो हो गया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो हो गया, सो उदो भी अपने को डिफलैक्शन नहीं आएगी। सो जिमें कि आप देखा ही कि पहले आप ऑन किया डिफलैक्शन आई, स्टडी हो गया करंट, नो डिफलैक्शन। उस तो बाद आपू ऑफ किया डिफलैक्शन आई, लेकिन जब इतने बिल्कुल जीरो हो चुके है अपना करंट, फिर कोई डिफलैक्शन नहीं आ रही। सो डिफलैक्शन जीरो दे आप दो केसिस देखे, एक है स्टडी और एक है जीरो। हम आप दूसरी साइड चलते हाँ कि डिफलैक्शन दो बार आई, कदों आई? सो इट गिव्स डिफलैक्शन, नीडल लिख लीजिए, नीडल गिव्स डिफलैक्शन या पॉइंटर इज बेटर, पॉइंटर गिव्स डिफलैक्शन वैन वैन। सो अगर आप ध्यान ना सोचिए कि कदों डिफलैक्शन आ रही है, जदों इतने अपने को करंट की है चेंज हो रहा है। सो एक बार दोबारा ध्यान ना देखिए, जब आप इनू ऑन किया उदो करंट की वैल्यू की हुई? अचानक जीरो तो चेंज होकर कुछ इनक्रीज़ हो गई, सो करंट की वैल्यू चेंज हुई, डिफलैक्शन आ गई। उस तो बाद करंट स्टेडी हो गया, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, दैन इधर कोई डिफलैक्शन नहीं आ रही। दैन अगेन आप की है इनू बंद किया, सो करंट की है स्लोली 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 की है डिक्रीज़ करेगा। अगेन की है इतने अपनी करंट की वैल्यू की है चेंज हो रही है, अगेन करंट की वैल्यू चेंज हुई, डिफलैक्शन आई। जब जीरो हो जाएगा करंट, नो डिफलैक्शन। अपन किस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि डिफलैक्शन बिकम्स जीरो जो करंट की है स्टेडी है या फिर जीरो है, और डिफलैक्शन कदों आएगी? वैन करंट इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग। सो हुण इहदा की कंक्लूजन निकलिया? सो इहदा की मतलब है कि जदों इधर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है इन द प्राइमरी कोयल, वैन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट वो चेंज हो रही है, उहदे नाल की है कोयल टू दे विच की है पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है। सो जिवें जिवें कोयल वन दे विच जो उहदे नेबरहुड दे विच ही है नज़दीक पईआं हन, कोयल वन दे विच की है करंट की वैल्यू चेंज हुई, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट चेंज होया, उहदे नाल की है कोयल टू दे विच पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है बिकॉज उहदे च करंट की वैल्यू चेंज हुई। हुण एक्चुअल होया कि कोयल वन विचों आपां करंट पास करवा रहे सी, वैन एवर उहदे विचों करंट की वैल्यू चेंज होएगी, बिकॉज आपां नूं पता है कि जो किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास हुंदा है दैन वो की है इट गिवज़ राइज टू मैगनैटिक फील्ड। उस तरह जब इहदे विचों करंट पास हो रहा है दैन वो की होएगा? अगेन इट विल गिव राइज टू मैगनैटिक फील्ड। लेकिन जब करंट चेंज हो रहा है, बिकॉज आपां उही गल कर रहे हैं जदों डिफलैक्शन आई जदों करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है मतलब जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वह भी चेंज हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म तो नहीं है, बिकॉज करंट चेंज होएगा दैन मैगनैटिक फील्ड भी चेंज होएगी। सो ये आस पास जो मैगनैटिक फील्ड होएगी, सो उदियाँ जो मैगनैटिक फील्ड लाइनस होनगियाँ दे विल ऑल्सो भी अफेक्टिंग द कोयल टू। सो कोयल वन दे विच करंट चेंज होया, करंट चेंज होन दे नाल मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रही है। सो जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस सीगियाँ जो कोयल टू नूं भी सराउंड कर रही हैं
ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਗਨੈਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲਈਏ ਇਨ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੋਇਲ 2 ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕੋਇਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਫਿਨੋਮਿਨਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਅ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ, ਸੋ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਅ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ ਕੈਨ ਇੰਡਿਊਸ ਅ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਅ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਨਰਲੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਲਿਖੀਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦਾ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਅ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕੋਇਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਫਿਨੋਮਿਨਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਕੀ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਆਈਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਐਨੀ ਮੈਗਨੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਸਾਈਡ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਬਾਏ ਮੂਵਿੰਗ ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਸ ਪਾਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਈਦਰ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਜਾਂ ਵੇਰੀਇੰਗ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਟੂ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ,
या फिर की करांगे कंडक्टर नूं स्टिल रखांगे आस पास जिस मैगनैटिक फील्ड आप उन्होंने रख रहे हैं मैगनैटिक फील्ड में आप वेरी करवावे सो दोनों केसिज आप इतने देख ही रहे हैं सो जनरली आप वे यूज करते हैं वी जनरली प्रैफर कि आप कंडक्टर नूं लैके बजाय कि आप किसी मैगनैटिक फील्ड में वेरी करिए आप एक मैगनैटिक फील्ड कंडक्टर नूं प्लेस करके कंडक्टर नूं मूव करवाने हाँ सो दैट उहदे विच की है इंड्यूस करंट की है पैदा हो सके सो इहदे लई वी हुण की है एक जिवें कि आप फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल पढ़िया सी सिमिलरली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी कंडक्टर वी आर ऑलसो हैविंग अ रूल एक होर रूल है अपने कोल उहनूं आपां बोलदे हां फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सो पहले आपां गल कीती सी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल दी सो दिस रूल इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एक किस चीज़ लई यूज हुंदा है वह भी मैं नाल ही लिख रही हाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड या टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट करंट सो अगर आप थोड़ा कंपेयर करके चलिए फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल दे गल की सी कि फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल आपू डायरेक्शन दिता सी किस चीज़ की कि किस डायरेक्शन फोर्स लगेगी कंडक्टर के उपर और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपू कि डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन के इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होएगा सो आप गल की कि जो मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होनगियाँ दैन जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के उपर मैक्सीम फोर्स लगेगी उस तरह उही चीज़ अगर आप इतने अपलाई करनी हो सो इन दिस केस अगर अपने को मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दोनों परपेंडिकुलर होनगियाँ रिपीट कर रही हाँ मैं बिकॉज इतने कन्फ्यूजन हो जाता है लैफ्ट हैंड राइट हैंड दे विच राइट हैंड दे विच की है वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर ओके सो डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर बिकॉज ये आप गल की कर रहे हैं आप एक कंडक्टर नू मूव करवाना है उस केस में आप करंट पास करवा रहे सी सो अगर ये दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होनगियाँ दैन जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होएगा वो वैल्यू की होएगी मैक्सीम होएगी सो मैक्सीम अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड सो हूँ आप देखिए कि आप अपलाई किमें करा उस तरह जिमें आप लैफ्ट हैंड रूल के आप तीन फिंगर्स यूज़ कीतियाँ सी लेकिन लैफ्ट हैंड दियाँ हूँ ये की है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सो राइट हैंड रूल के आप यूज़ करा अर राइट हैंड सो राइट हैंड अगेन आप है तीनों फिंगर्स यूज़ करा ओके दैन अगेन नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इफ वी स्ट्रेच द थंब द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर सो उ तीनों फिंगर्स आप यूज़ करनी हैं जड़िया लैफ्ट यूज़ कीतियाँ सी तिना स्ट्रैच करा सच दैट ये आपस में की हूँ परपेंडिकुलर हो सो सारे की हैं 90 डिग्रीज से प्रेजेंट होने चाहिए हैं ये भी 90 डिग्रीज से है सो यही चीज़ अगर मैं इतने शो करनी हो भी की आएगी 90 डिग्रीज से सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तीनों फिंगर्स मेरी आपस दे विच दैन आई विल राइट सो जो फोर फिंगर है या जो फर्स्ट फिंगर इफ इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड आर थम हूँ इस केस में आप थम की गल पहले कर रहे हाँ सो थम पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दैन लास्टली मिडल फिंगर इट विल गिव एक ही देगा आप इट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सो एक ही कह रहे हैं इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ अर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इफ वी टेक द फर्स्ट फिंगर दैट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड सो फर्स्ट फिंगर की है अगेन इस केस विच भी लैफ्ट हैंड दे विच भी आप की लै रहे सी फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड सेम चीज़ इतने है फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड सैकेंडली दैन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर सो आप ये की है मिडल फिंगर की गल बाद करा वी विल से द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर सो लाइक दिस अगर ये की है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दे रहा है दैन मिडल फिंगर आपको की दसेगी मिडल फिंगर तो कि डायरेक्शन पता लगेगी इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर सो मिडल फिंगर तो आपको की चीज़ पता लगेगी करंट की डायरेक्शन सो अगर थोड़ा होर रिलेट करिए तो आपको लग रहा है कि सेम ही है जस्ट की डिफरेंस आएगा वो भी आप फर्स्ट फिंगर नू बोल रहे सी मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन
मिडल फिंगर नूं आपां बोल रहे सीगे उस टाइम करंट की डायरेक्शन इत्थे की है इंड्यूस्ड करंट उत्थे बोल रहे सी करंट की डायरेक्शन थंब नूं आपां उस टाइम बोल रहे सीगे इन केस ऑफ लेफ्ट थंब नूं आपां बोल रहे सीगे मोशन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर सो तीनों चीज़ा सेम हैं जस्ट आप इनू रूल नूं किदां डिस्क्राइब कर रहे हाँ कि ये दो चीज़ा अपने को दे आर गिवन एंड वी हैव टू गिव आपां नूं डायरेक्शन किस चीज़ की दसनी है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देनी है सो दैट इज़ वाई आप इतने की बोलते हाँ पहले एक फर्स्ट फिंगर की गल करांगे सो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड फिर आप थंब की गल करांगे मिडल फिंगर की गल नहीं करांगे बिकॉज इन्हें आपां नूं डायरेक्शन दसनी है इंड्यूस करंट की जो चीज़ आप फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस रूल सो दैट इज़ वाई फर्स्ट फिंगर दैन थंब की गल करांगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दैन लास्टली मिडल फिंगर वो आपां नूं डायरेक्शन देगी अबाउट केड़ी डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर सो ये है अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सो अगर रिलेट करके भी याद रखा जाए दैन इट इज़ ऑलसो वेरी ईजी सो फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल दैन फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल आप जिमें कि यूज़ किया इलेक्ट्रिक मोटर के सिमिलरली हूँ आप है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी अगे एप्लीकेशन देखा कि जगह आप है या कि डिवाइसिज आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की है यूज़ कर सकते हैं सो जो अगे वाला पार्ट है आप फिर करा सो फिलहाल अजा आप अज के लिए गल की इलेक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन बारे सो इलेक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन की सी कि जो एक कंडक्टर की है ड्यू टू द वेयरिंग करंट उसकी मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रही थी सो ड्यू टू दैट मैगनैट चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर दे विच की है करंट इंड्यूस हो जाता है दैट प्रोसैस दैट फिनोमेना उन्होंने आप बोलिया इलेक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन प्लस आप दोनों वेज भी देख ले कि दो वेज के नाल आप की है प्रोड्यूस करवा सकते हाँ इलेक्ट्रो इंड्यूस करंट दैन लास्टली आप गल की फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बारे सो राइट हैंड रूल तो आप पता लगेगा अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज़ इंड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर सो हूँ नैक्सट लैक्चर के आप गल करा कि आप इस रूल में अगे कितने यूज़ कर सकते हाँ अज के लिए इन्ना ही करा थैंक यू